कई बार हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता, हमें पता नहीं लगता कि वो काम परमेश्वर के हम विरुद्ध कर रहे हैं या हम मनुष्य के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना तो हमें परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताना है। आज मैं आपको उस एक विचार से अवगत कराऊंगा जो बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप जो पाप कर रहे हैं वो किसके विरुद्ध है? जब आप अपनी बीवी को मारते हैं, जब आप अपने बेटे को मारते हैं, जब आप अपने दोस्त का हक छीनते हैं, जब आप आपके अंदर काम करने वाले जो आपके कारीगर हैं, आप जब उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, आपको पता है आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। शैतान आपके मन में डालता है कि अरे यार तेरी बीवी है यार, उसके अगर दो थप्पड़ मारूंगा तो मेरा हक है, मेरा बच्चा है, मेरा कारीगर है, मैं इसको पैसा देता हूं, पगार देता हूं महीने की, अगर इसको मैं गाली दूंगा, अगर इसको मैं खाने नहीं दूंगा तो मैं मालिक हूं। शैतान आपके मन में डालता है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यह समझना है कि हम ये किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपका अनमोल जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपका नहीं है, आपको प्रभु के लिए जीना है। आप परमेश्वर का मंदिर तो हैं, उसकी आत्मा आप में वास करती है, लेकिन आप अपने नहीं हैं। आपको जो अपना जीवन जीना है वो परमेश्वर के लिए जीना है। इसलिए एक एक चीज आपको सोच समझ कर बोलनी है कि आप किससे बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। बाइबल में इसलिए नहीं कहा परमेश्वर ने कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। बाइबल क्यों कहती है कि जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो? क्यों कहती है? ताकि जो तुम्हें सता रहा है, तुम्हें हक नहीं है कि तुम न्याय करो। न्याय करने का हक किसको है? परमेश्वर को है, मुझको और आपको नहीं है। मैं ऐसे पास्टर आप पर दबाव नहीं डाल सकता हूं, मैं आपको वचन के द्वारा बता सकता हूं क्या सच है क्या गलत है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा मैं दान दशांश के लिए कोई आपको जोर नहीं डालता हूं, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि दशांश देना जरूरी है, दान देना जरूरी है, लेकिन आई नेवर फोर्स यू। ये काम मेरा नहीं है। आप अगर दशांश देते हैं, दान देते हैं, आपका और परमेश्वर का है संबंध। परमेश्वर देख रहा है आपके मन को कि आप कैसे दे रहे हैं, आप कैसे नियत से दे रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है ऊपर से कि आप किस मन से चर्च में आ रहे हैं, आपका मन क्या है, आपका नजरिया क्या है कलीसिया में आने का, आपका नजरिया क्या है किसी से बात करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप जो पाप करते हैं, आप ये समझिए कि वो आप अपनी बीवी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं, आपने किसी का फायदा उठाया और छोड़ दिया उसको, आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। दाऊद जो कि परमेश्वर का चुना हुआ नबी था, उसको मित्र कहा गया है, दाऊद को परमेश्वर ने संभाला, लेकिन एक वक्त आया जब दाऊद ने पाप किया। क्यों परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए? अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है तो आप गलत डिसीजन लेंगे। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है तो आप
शैतान के बहकावे में आ जाएंगे, आप वो काम करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का भय ही आपको ज्ञान देता है। नीति वचन 2:5 अगर हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो भय है वो आपके अंदर ज्ञान पैदा करता है, वो आपको समझाता है कि आपको कैसे जीवन जीना है, वो आपको बताता है उसका भय कि आप किस तरीके से चलें अपने धंधे में, अपने घर में, अपने परिवार में, कलीसिया में, आप कैसे चलें। पढ़िए बेटा, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हाँ, परमेश्वर का भय को समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब? जब आपका मन शुद्ध होगा, जब आपके मन में परमेश्वर का भय होगा। दाऊद हमेशा परमेश्वर से डर के रहता था, लेकिन एक समय आया जब दाऊद के अंदर से डर निकल गया। उस समय जितने इजराइली थे, राजा थे, वो साल की शुरुआत में युद्ध करने के लिए निकलते थे। अगर आप 2 Samuel 11 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय जो दाऊद था वो युद्ध करने के लिए नहीं गया, उसने अपनी सेना को भेज दिया, योआब को भेज दिया जो कि सेनापति था, खुद नहीं गया। दाऊद के अंदर से भय निकल गया और दाऊद ने पाप किया। एक औरत जो कि उसके सैनिक की बीवी थी, उसके संग उसने गलत संबंध निभाला और उसके आदमी को मरवा दिया। देखिए, आपको शैतान इस तरीके से इस कदर गिराना चाहता है कि आप अपने शरीर की अभिलाषा पूरी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके शरीर की अभिलाषा जो है वो आपको परमेश्वर से दूर करती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए लिखा हुआ 1 यूहन्ना 2:16 कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, बुद्धि का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ये तीनों चीजें ही आपके मन से परमेश्वर का भय दूर कर देती हैं अगर आप उसमें रम जाते हैं, अगर आप उसको करने लगते हैं। दाऊद ने पाप किया और नातान नबी ने आकर बताया कि तेरा पाप क्या है, तेरा पाप क्या है कि तूने अपनी हवस को पूरी करने के लिए एक बेचारे मासूम आदमी को खत्म करवा दिया, खत्म करवा दिया। अगर हम 2 Samuel 11:14-15 पढ़ेंगे, देखिए कितनी दरिंदगी से, कितने कठोरता से वो चिट्ठी लिख रहा है योआब को जो कि सेनापति है। पढ़िए बेटा 14:15, 2 Samuel 11:14-15। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ में भेज दी। उस चिट्ठी में यह उरिया कौन है? ये बैतशबा का पति है। आप सोचिए, उरिया जो कि बैतशबा का पति है, इससे पहले दाऊद ने बैतशबा के संग संबंध बना लिया है, अब वो उसके पति को, जो उसकी जालसाज में नहीं आया, उसके षड्यंत्र में नहीं आया, अब उसी के लिए, उसी की मौत के लिए, उसी के हाथों में पत्र लेकर भेज रहा है। सोचिए, पढ़िए। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। आमीन। वो क्या हो जाए? मर जाए। यानी कि उसने क्या समझा कि जो उरिया है वो मेरा सैनिक है, मेरे अंदर काम करता है। जहां 10 सैनिक बनेंगे, इसको भी मरने दो, मारो इसको। कौन है आप? आपको किसी आदमी की जान लेने का क्या हक है? आपको किसी को धोखा देने का क्या हक है?
आपको किसी का पैसा हड़पने का क्या हक है? क्या आप ताकतवर हैं इसीलिए किसी मजलूम को आप मार देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हक है आपको? ये हमारे साथ भी होता है, हम अपने से कमजोर को दबाते हैं, हम अपने से कमजोर को दबाते हैं। अगर बाहर कहीं काम करते हैं और हमारे साथ कोई गरीब काम करता है, उस गरीब को दबाते हैं। घर में आते हैं, बीवी कमजोर होती है, बीवी को दबाते हैं, बच्चों को दबाते हैं, अपना पड़ोसी कमजोर है तो पड़ोसी को दबाते हैं। आप पाप करते हैं। अगर बिला वजह आप अपने पड़ोसी को दबा रहे हैं, बिला वजह अपनी बीवी को दबा रहे हैं, बिला वजह अपने बच्चों को दबा रहे हैं, तो आप परमेश्वर की निगाह में क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। और पाप एक भयंकर चीज है। दाऊद ने पाप किया और हिती उरिया को उसने मरवा दिया। उसका क्या दोष था? कि उसकी बीवी खूबसूरत थी? उसका क्या दोष था कि वो वफादार था? दाऊद के कहने पर भी कि जा अपने घर में अपनी बीबी के पास जा, वो नहीं गया। मैं कैसे जा सकता हूं? सारी सेना युद्ध में लड़ रही है, मेरा सेनापति युद्ध में लड़ रहा है, मेरे भाई मेरे सिपाही युद्ध में लड़ रहे हैं, और मैं यहां पर आकर अपनी बीबी के पास जाऊं, अपने घर में आराम करूं? नहीं। कभी कभी आपकी सच्चाई आपके लिए दुश्मन हो जाती है। कभी कभी आपका बॉस, जहां पर आप काम करते हैं, आपका बॉस कहता है झूठ बोलो, झूठ बोलो, एक ये चीज इतने की नहीं इतने की है, आपको आगे करते हैं। और अगर आपने झूठ नहीं बोला कि नहीं साहब, ग्राहक के सामने आपने बोला नहीं सच्चाई यही है कि ये साहब चीज 10 रुपए की नहीं है तो 8 रुपए की हम लाए थे, आपका मालिक मारेगा भी आपको और निकाल भी देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने सच बोला है। सच बोला है। आप किसी का बदला नहीं ले सकते। नातान नबी ने दाऊद को बताया कि तूने पाप किया है, तूने एक ऐसे शख्स को मार दिया, एक ऐसे अपने सैनिक को मार दिया, अब परमेश्वर तुझे बर्दाश्त नहीं करेगा, अब परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को समझ आया कि मैंने क्या किया ये, और वो चरणों में आया, वो परमेश्वर के चरणों में आया, घुटनों पे आया, और वो क्या बोलता है? भजन संहिता 51:4, भजन संहिता 51:4, वो क्या बोलता है? ध्यान दीजिए, समझिए। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने बस, में धर्मी। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। उसने ये नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैंने बेशेबा के विरुद्ध पाप किया, मैंने हिती उरिया के विरुद्ध पाप किया। उसने कहा परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। आप अपने घर में अपनी बीवी को अगर मारते हैं, आप अगर नशा करते हैं, अपने बच्चों का हक मारते हैं, अपने बच्चों को आप ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, अगर आप अपने काम करने वालों को हक मारते हैं, अगर आप अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। आप ये मत समझिए कि मेरी बीवी है, एक झापड़ मार भी दिया तो क्या हुआ, उसको खाना नहीं दिया तो क्या हुआ? नहीं मेरे भाई, वो परमेश्वर की चुनी हुई दासी है, वो परमेश्वर की ओर से आपको दिया हुआ दान है। बीवी और बच्चे परमेश्वर की ओर से दिए हुए दान हैं। और ये उल्टा भी है, पत्नी भी अपने पति को नौकर ना समझे,
कभी कभी आदमी सीधा मिल जाता है तो पत्नी भी खड़ी हो जाती है, खाना चाहिए, ठीक है चलो मैं चावल रोटी बना रहा हूं, तुम बर्तन मांजो, कुछ तो काम करो, कुछ तो काम करो, है ना? Praise the Lord. होता है, अरे मैं अकेले काम करती रहूंगी, आप कुछ नहीं काम करेंगे? साथ देना चाहिए, जरूर है, बिल्कुल जरूर है। बीवी के साथ और बीवी का साथ आपको देना चाहिए और बीवी को भी आपका साथ देना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो सेविकाई में अगर बीवी आपके साथ है तो घर में आप बीवी के साथ रहें, जरूर है। अगर आपको समय मिलता है तो आप जरूर हेल्प कर सकते हैं, जो जो चीजें आपको आती हैं। मुझ जैसे आदमी को तो सिर्फ चाय बनानी आती है और मैं अंडा उबाल लेता हूं, लेकिन मैं उतना भी करता हूं। मेरी बीवी बीमार होती है तो मैं करके देता हूं, सुबह की चाय मैं बनाता हूं, जो कर सकता हूं कोशिश करता हूं। लेकिन हम अपने आप को न्यायाधीश ना बना ले। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने जो पाप किया है वो तेरे विरुद्ध पाप किया है, तेरी नजरों में पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो मैंने किया है। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं देखते कि परमेश्वर कैसे आपको देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए वो कहता है कि जो मैंने पाप किया है उस पाप की वजह से मेरा जो मन है वो अशांत हो गया है, मेरी जो आत्मा है वो स्थिर नहीं है। इसलिए प्रभु मेरी आत्मा को स्थिर कर। जब आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, जब आप अपने पाप को मानते हैं और ये कहते हैं कि मैंने परमेश्वर तेरे विरुद्ध पाप किया है, तब आप महसूस करते हैं कि आपके मन की अशुद्धता। आप अपने मन की अशुद्धता क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? कई लोग हैं जो पाप करते हैं लेकिन उस पाप की अहमियत को नहीं समझते हैं। आप पाप की अहमियत तो क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि आप उस पाप को यह नहीं समझते कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी है यार, मेरे पास पैसा है मैं दारू पी रहा हूं, मेरे पास पैसा है मैं गलत काम कर रहा हूं, गुटखा खा रहा हूं। नहीं मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको यह शरीर इसलिए नहीं दिया है कि आप उसका गलत फायदा उठाएं। परमेश्वर ने आपको आपका शरीर इसलिए दिया है ताकि उस शरीर से परमेश्वर की महिमा करें आप। इसलिए वो कहता है, इसी का भजन संहिता 51:10 में कहता है कि मैं अपने मन की शुद्धता चाहता हूं। हे मेरे परमेश्वर, पढ़िए बेटा, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर अस्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। क्या प्रार्थना है दाऊद की, देखिए वो समझ गया उस पाप को कि मैंने क्या पाप कर दिया है। मैंने एक औरत को पाने के लिए उसके मासूम पति की हत्या करवा दी है, कितना घिनौना मैंने पाप किया है, और उस पाप से मेरा मन अशुद्ध हो गया है। देखिए परमेश्वर आपके मन की शुद्धता चाहता है, कोई भी चीज आपके मन को अशुद्ध ना करे। जिस दिन आपका मन अशुद्ध हो गया मेरे भाई, अशुद्ध है रहता है, उस दिन आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर की दया को नहीं समझ पाएंगे, उसके अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका मन अशुद्ध हो गया है। आपकी अशुद्धता मन से जाजी जाती है। हम शरीर को तो साफ कर लेते हैं, रोज सुबह नहाकर अच्छी तरीके से साबुन भी मलते हैं और सब कुछ घिसते हैं कि साफ पूरी तरीके से साफ हो जाऊं मैं,
हालेलुया। लेकिन आप मन की शुद्धता पर गौर नहीं करते। आपके जीवन में आपके अंदरूनी शक्ति कौन दे रहा है आपको पता है? आपका मन। अगर आपका मन अशुद्ध है तो आप कमजोर हैं, आप डर जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, विश्वास की कमी होगी। जिस दिन आपका मन शुद्ध है उस दिन आपके अंदर विश्वास की शक्ति आएगी। तो शैतान क्या करता है? आपके मन को अशुद्ध करने की कोशिश करता है। आपके मन को अशुद्ध करने के लिए वो नए नए स्कीम तैयार करता है। एक पाप के संग चार पाप फ्री, फ्री। एक बार झूठ बोलोगे इंक्रीमेंट 5,000 रुपया। आप कहते हैं बड़े अच्छे यार, उपवास कर लूंगा, फिर प्रार्थना कर लूंगा, फिर यीशु का लहू लगा लूंगा, 5,000 तो आएंगे। दूसरे महीने दूसरी स्कीम, शैतान स्कीम देता है। यस, आप फेसबुक का डाटा इतने घंटे में खत्म करेंगे आपको फ्री डाटा और मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा डाटा? ये शैतान की स्कीम है ताकि आप देखते रहें, फेसबुक देख ही रहें। आपका नाम होगा, आप सोचते हैं नाम भी आएगा, अरे कितनी अच्छी लड़की है, रात को रोज 4 घंटे फेसबुक खत्म करती है, अपना डाटा खत्म करती है। कई बच्चों को तो मैंने कहते सुना है, कह रहे पापा डाटा तो खत्म कर लूं, 12 बजे से पहले अगर डाटा खत्म नहीं किया तो ये नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, ये डाटा तो खत्म कर लूं। आप ये नहीं समझते कि वो जो डाटा है वो आपकी जिंदगी खत्म कर रहा है, वो आपके मन को अशुद्ध कर रहा है। आप ये नहीं समझ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है कि मेरे मन को शुद्ध कर और मेरे आत्मा को स्थिर कर। जब आपके अंदर पाप रह जाता है तो आपकी आत्मा जो है व्याकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, आपके अंदर शांति नहीं रहती, व्याकुलता आ जाती है। इसलिए वो इसी 51 के तीसरे में क्या कहता है देखिए, तीसरे में क्या कहता है। बाइबल में कहीं नहीं बताया गया, कहीं नहीं है कि दाऊद ने बैतशीबा को बताया कि मैंने तेरे पति उरिया को, हित्ती उरिया को मार दिया है। उसने नहीं बताया कि मैंने तुझे पाने के लिए तेरे इकलौते पति को मरवा दिया है। दाऊद को नहीं पता, दाऊद ने नहीं बताया बैतशीबा को। इसलिए वो क्या कहता है तीसरे वचन में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो जब भी बैतशीबा को देखता था अपने पाप को देखता था। वो जब भी बैतशीबा को देखता था अपने पाप को देखता था कि मैंने इसके पति को मारा है। आपका पाप निरंतर आपकी दृष्टि में क्यों रहता है? क्योंकि आप समझते हैं कि आपको पाप करने का हक है। क्योंकि दाऊद ने समझा कि वो मेरा सैनिक है, उसको मरवा भी डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 100,000 आदमी मरने वाले हैं ना, उसमें से एक भी मर जाएगा। लेकिन वो जो 100 आदमी मरने वाले हैं उन्होंने उनको शहीद कहा जाएगा। वो अपना काम करते हुए, अपनी मेहनत करते हुए युद्ध की भूमि पर शहीद होंगे। लेकिन इस आदमी का तूने खून किया है। हम किसी से झूठ बोलते हैं और हम झूठ बोलकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो जब भी सामने आएगा ना आपका पाप खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने झूठ बोलकर उससे काम करवाया है। चाहे उस भाई को नहीं पता या उस बहन को नहीं पता कि झूठ बोलकर आपने काम करवाया है, लेकिन वो जैसे ही भाई बहन आपके सामने आएगा आपका पाप खड़ा हो जाएगा।
इसलिए परमेश्वर बोलता है पश्चाताप कर और जिसके विरुद्ध तूने पाप किया उससे माफी मांग। परमेश्वर से कहे कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब तक आप परमेश्वर के विरुद्ध, जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे कि परमेश्वर मैंने वो पाप किया है जो तेरे विरुद्ध है, तब तक आपके मन की शुद्धता आपके जीवन में नहीं आएगी, नहीं आएगी। आपके अंदर संदेह की आत्मा आएगी। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता से पैसा लेकर गया और दूसरे शहर में जाकर उसने अय्याशी की और उसने गलत कामों में पैसा लगाया, बाइबल कहती है, और पैसा उड़ा दिया, अकाल आया और उसके पास कुछ नहीं रह गया और उसने सुअरों को चढ़ाने लगा। वो सुअर का खाना, जो सुअर को खाना मिलता था वो खाना खाने लगा। आपका पाप आपको कितना गिरा देता है आप सोच नहीं सकते हैं। पाप इतनी भयानक चीज है। आपका पाप आपको कितना गिरा देता है। क्यों? व्यभिचार को परमेश्वर ने बहुत भयंकर बात कही है कि व्यभिचार एक भयंकर पाप है, क्योंकि व्यभिचार आपके मन को अशुद्ध करता है, आपके शरीर को अशुद्ध करता है। व्यभिचार करने वाला इंसान कभी भी शांत नहीं रह सकता, उसके अंदर व्याकुलता हमेशा रहेगी, उसके अंदर डर आएगा, डर आएगा, वो डर जाएगा बार बार पर। प्रेज द लॉर्ड। तो उड़ाऊ पुत्र जब वहां पर गया और उसने सारा कुछ उड़ा दिया, उसके बाद जब उसे एहसास हुआ, इसका 14वां पढ़िए, 15 का 18 लूका 15 का 18 पढ़िए। उड़ाऊ पुत्र में देखिए उसने कैसे, उसने जब ये एहसास किया कि मैं सूरों को चरा रहा हूं, मतलब मेरा पाप मुझे कहां से कहां लेकर आ गया है, मैं कितना गिर गया हूं, मैं क्या था और क्या हो गया हूं। जिस दिन आप एहसास करते हैं कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उस दिन आप उस पाप को देखते हैं कि यार उस पाप की वजह से मैं कहां से कहां आ गया हूं, मेरी सोच कितनी बदल गई है, मैं कुछ भी पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूं। अठारहवें वचन में उसने कहा कि मैंने पिता के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। जब आप अपने पाप को पिता के सामने लेकर आते हैं कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, ये जीवन जो था, ये जीवन जो आपने दिया वो तूने दिया है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आप क्या लेकर आए थे, आपके पास जो कुछ भी है वो देने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपके चेहरे की खूबसूरती किसने दी है? परमेश्वर ने। आपको काम करने की कला किसने दी है? जिस काम के द्वारा आज आप पैसा कमा रहे हैं वो बुद्धि किसने दी है? इसलिए हर आदमी के पास अलग अलग कला है, अलग अलग बुद्धि है। आप ये काम करते हैं, वो भाई दूसरा काम करता है, बहन दूसरी काम करती है, परमेश्वर ने आपको दी है। लेकिन हमें उस जीवन को किस तरीके से जीना है, वो जो पाप हम कर रहे हैं, आप ये विश्वास कर रहे हैं, समझ जाएं सत्य को कि वो पाप आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरा शमूएल 12:8 से पढ़ेंगे हम, 12:8-12 पढ़ेंगे हम। क्या कहता है देखिए दाऊद को परमेश्वर, कि तूने ये जो पाप किया है ये मेरे विरुद्ध पाप किया है,
क्यों तूने पाप किया? मेरे भाई, कभी आप परमेश्वर के मन को जानिए। जब आप पाप करके सामने बैठते हैं ना, तो उसके मन में आता है कि तूने क्यों पाप किया, मैंने तुझे क्या नहीं दिया, ये अनंत ये जीवन दिया, ये अनंत काल का जीवन दिया, तुझे मन शुद्ध किया तेरा, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, तुझे उत्तराधिकारी बनाया, फिर भी तूने पाप किया। वो दाऊद से कह रहा है, पढ़िए बेटा, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, हाँ, और तेरे स्वामी की पत्नी तेरे भोग के लिए दी। सातवें से पढ़िए, सातवें से। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वो मनुष्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरे अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, मैंने बनाया तुझे इज़राइल का राजा, मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे मुक्ति दी, मैंने तुझे बपतिस्मा दिया, मैंने अपने इकलौते पुत्र के लहू को तेरे ऊपर लगाया, मैंने तुझे शुद्ध किया। आगे, और मैंने तुझे शाऊल के हाथों से बचाया। आगे आठवां, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। दाऊद से कह रहा है परमेश्वर की, मैंने तेरे स्वामी का भवन दिया, मैंने शाऊल का भवन दिया, तुझे राजा बनाया, उसकी दासियां उसकी पत्नियां तुझे दी। आगे, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि ये थोड़ा था तो तू तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। आमीन। हेलो, ध्यान से समझिए, अगर आप परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अगर आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको और भी देने वाला है। आप नहीं जानते कि आपका भविष्य क्या है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने आपको यहां तक पहुंचाया, वो आगे भी पहुंचाएगा। हालेलुया। हम झूठ क्यों बोलते हैं, हम विश्वास नहीं करते कि अब जो मिल गया मिल गया, परमेश्वर पता नहीं आगे देता है कि नहीं देता। नहीं, गलत। वो कह रहा है मैं तुझे और भी देने वाला था, तूने ये पाप क्यों किया। मैं आगे, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अमोनिया की तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए हेलो, अब सोचिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि तूने वो काम क्यों किया। मैंने तुझे अपने राजा का महल दिया, उनकी बीवियां दिया, और भी मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने वो काम किया जो मेरी दृष्टि में गलत था। मेरे भाई मेरी बहन, हमें अपने जीवन में काम करते हुए सोचना चाहिए कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। मैं अगर आज जी रहा हूं तो कल मैं कोई ऐसा काम ना कर बैठूं, अपनी हवस में, अपने पैसे के लालच में, अपनी नौकरी में, अपने धंधे में, अपने घर में, मेरे कोई मुंह से ऐसी बात ना निकले जो परमेश्वर की विरुद्ध हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए अद्भुत हैं। आप अपने आज को देखकर परमेश्वर को ना जांचिए। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको कितना ऊंचा उठाने वाला है। आप नहीं जानते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं। कल हम एक मीटिंग में थे, भाई चंदन भी थे, मनीष भी था, हमारी बहनें भी थे, वंदना, एक वहां पर डी मोहन पास्टर हैं चेन्नई के, हम उनकी टेस्टिमनी सुन रहे थे। उन्होंने जब अपना चर्च शुरू किया था
तो एक पत्तों का, पत्तों की झोपड़ी होती है ना, पत्तों की झोपड़ी, उसमें उनका चर्च शुरू था। और वो बता रहे थे कि ना तो मुझे बोलना आता था, ना मुझे प्रार्थना करनी आती थी, मैं बोलते हुए डरता था, सुसमाचार सुनाते हुए डरता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तुझे उठाऊंगा। और आज की डेट में चेन्नई में उनकी कई कलीसियां हैं, उनकी सात सभाएं उनकी एक दिन में होती हैं, सात सभाएं एक दिन में होती हैं, और उनकी कलीसिया में टोटल 50,000 लोग आते हैं। कहते मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जब छोटा सा कलीसिया था, जब 5-6 लोग थे, 60 की बात कर रहे हैं वो, उस समय हमारे पास कुछ दान दशांश नहीं आता था, और परमेश्वर ने कहा जितना तेरे पास आता है, कितना पास आता है कि 500-250 रुपए दे दे। मैं आज्ञाकारी बना रहा, जो परमेश्वर कहता था वो करता था, मैं जैसा बोने के लिए बोलता था परमेश्वर मैं देता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, आज करोड़ों प्रॉपर्टीज का वो मालिक है, और चेन्नई में, कल वो बता रहे थे पास्टर कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम के लिए उसने जगह ली है, मेन चेन्नई में बहुत बड़े स्टेडियम की जगह ली है, और वहां पर इतनी बड़ी जगह है कि 50,000 लोग बैठ जाएंगे। 30 एकड़ जगह ली है। प्रेज द लॉर्ड। वो पास्टर कहता है कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बदकिस्मत हैं। भरोसा करिए और परमेश्वर के राज्य में उसकी आज्ञाओं पर चलिए। आप नहीं जानते कि वो आपको, आपके बच्चों को कहां लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी सोचा है कि 75 की एज में इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना, इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि तुझे बच्चा होगा। अगर आप अध्याय 12 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो 75 साल का था तो परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया, हालेलुया, कि उसके बच्चा होगा। वो मरा कितने साल का, कितने साल का, 175, यानी कि 100 साल तक उसे वो प्रॉमिसिंग लैंड नहीं मिली, लेकिन 100 साल तक वो विश्वास की जिंदगी जीता रहा। कैसे जीता रहा, कैसे जीता रहा वो इब्राहिम 100 साल तक विश्वास की जिंदगी कैसे जीता रहा? क्योंकि उसने अपने अतीत को याद नहीं किया। हम आज प्रभु में आते हैं और अतीत को याद करके, यार वो नौकरी अच्छी थी यार, वहां चले जाते तो अच्छा था, ये करते तो अच्छा था, वो करते तो अच्छा था। उसने अपने अतीत को याद नहीं किया इब्राहिम ने, इसलिए कुछ प्रॉमिसिंग की लैंड ना मिलते हुए भी उस विश्वास के संग वो खड़ा रहा कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ी आशीष पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास इशू है, कोई भी असंभव चीज हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। आपके लिए जो कि असंभव होगा वो परमेश्वर के लिए संभव है। हम कभी भी ये ना सोचें कि हमारे जीवन में ये मुश्किल है। कभी आपने प्रार्थना की है कि परमेश्वर मुझे मजबूत बना? कितनों ने प्रार्थना की है कि परमेश्वर मुझे मजबूत बना? हालेलुया, मजबूत बना। कैसे मजबूत बनेंगे आप? आप अगर अपने 2 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे को चाहेंगे मजबूत बनाना तो आप कैसे बनाएंगे? अगर आपका 10 साल का बच्चा है और आप चाहते हैं कि उसको मजबूत बनाना, तो उसको आप जिम में लेके जाएंगे, आप कहेंगे उठाओ, वेट उठाओ, पहले 5 किलो, नहीं नहीं अब 10 किलो, पापा नहीं हो रहा, नहीं उठाओ, एक और, एक और, एक और, पापा यहां दर्द हो रहा है, नहीं नहीं एक और, पापा यहां भी दर्द हो रहा है, नहीं नहीं एक और, एक सेट और मारो,
और मारो, उसका पसीना निकल रहा है, उसकी सांसें फूल रही हैं कि नहीं पापा नहीं नहीं और। क्या कर रहे हैं आप? उसे मजबूत बना रहे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं ना कि परमेश्वर मुझे मजबूत बना, तो परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षाएं लेकर आता है। अगर आपके जीवन में परीक्षा आ रही है तो धन्यवाद बोलिए, क्योंकि आपको परमेश्वर मजबूत बना रहा है। इसलिए याकूब की पत्री 1:2 का कहता है कि जब भी तू विभिन्न परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए आपको परमेश्वर मजबूत बना रहा है, क्योंकि किसी भी परीक्षा से वो आपको निकाल सकता है। इसलिए आप परीक्षा में हैं तो डरिए मत, अगर आप परीक्षा में हैं तो धन्यवाद कहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाने वाला है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही करते हैं ना अपने बच्चों से, आप चल काम कर, खाना बनाना कैसे सिखाते बच्चों को? उसका हाथ जल जाएगा, जलने दे, एक बार जलेगा कोई बात नहीं, चल रोटी बना, चल सब्जी बना, चल आग में हाथ डाल, मम्मी जल जाएगा, नहीं नहीं डाल डाल कुछ नहीं होगा। आमीन। आपका पिता भी ऐसा ही है। कितने मजबूत बनना चाहते हैं? आमीन। कितने मजबूत बनना चाहते हैं? आज से परीक्षाओं से डरना भूल जाइए आप। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो परीक्षाओं को गले लगाइए, विपत्तियों को गले लगाइए। यस, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर एक भाई ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो परमेश्वर 10 दरवाजे खोलेगा। मनों को बदलने वाला मेरा प्रभु है, अंधकार की शक्तियों को निकालने वाला मेरा प्रभु है। मुझे सिर्फ प्रभु के साथ ईमानदारी के संग स्थिर रहना है। खुद से ईमानदार रहो। नातान नबी की बात सुनने के बाद दाऊद ने यह प्रण किया कि मैं ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। इसलिए वो परमेश्वर के सामने आता है कि मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर, मेरी आत्मा को स्थिर कर। क्यों? इसी का 14 पढ़िए, 51:14। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से दोष मुक्त कर। शैतान क्या करता है? शैतान आपके अंदर दोष की भावना लाता है, तभी आप उससे निकल नहीं पाते। आपके अंदर दोष की भावना आती है, आपने अपराध तो किया लेकिन शैतान ने दोष की भावना लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने आपको शुद्ध किया है, अपने अंदर दोष की भावना मत आने दीजिए। दोष की भावना, उसने कहा है दोष से मुक्त कर। मत सोचिए कि आपने पाप किया है। जब आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, आप विश्वास करिए परमेश्वर ने आपको दोष मुक्त किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपसे पाप हुआ है, क्षमा मांगिए, परमेश्वर से कहिए कि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर अंगीकार करेगा, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा और आपके पश्चाताप को स्वीकार करके आपके अंदर से दोष की भावना को निकाल देगा। वो कहता है कि परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से दोष मुक्त कर। हत्या तो मैंने की, उसका अपराध तो किया, लेकिन उसका दोष मेरे मन में है। आपको व्याकुल कौन कर रहा है? दोष की भावना। आपके अंदर डर कौन डाल रहा है? दोष की भावना। आपके विश्वास को कमजोर कौन कर रहा है? दोष की भावना। आपने पाप तो किया,
सिर्फ यीशु ही है जो अपने लहू से आपके अंदर से दोष की भावना से आपको मुक्त करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने लहू बहाया ताकि आप उस दोष भावना से अपने आप को पवित्र कर सकें। नहीं तो शैतान हर पल आपके अंदर दोष की भावना लेके आता कि मैंने गलत किया था। अरे भाई, करने वाले आप नहीं है, वो शैतान है जिसने आपसे काम करवाया। लेकिन आज जब आपने परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति को पूरी तरीके से क्लियर किया, जब आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को पूरी तरीके से ईमानदारी के संग आपने रखा कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा स्थिर कर, आप विश्वास करिए परमेश्वर उसी समय आपके अंदर पवित्र आत्मा को उपस्थित करेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को आप महसूस करेंगे, उसकी शांति को आप महसूस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप उसकी शांति को महसूस नहीं करेंगे, अंगीकार करिए अगर आपने पाप किया है, यस आपने गलत किया है, अंगीकार करिए और परमेश्वर के सामने जाइए कि मैंने पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप परमेश्वर के भय से, तब आप परमेश्वर का भय पाएंगे। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है तो आप पाप करते जाएंगे। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है, तभी वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए लिखा हुआ है मत्ती 5:10 में कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के लिए सताए जाना, आपको सताव आएगा उस धार्मिकता को थामे हुए, आएगा सताव, लेकिन हमें डरना नहीं है, वो सताव हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। सताए तो यीशु मसीह भी गए थे, सताए तो पतरस भी गए थे, पौलुस भी गए थे। एक राजा हुआ था नीरो, उसके राज में पौलुस का सर काट दिया था, 67 ईयर्स का था वो। पतरस को उल्टा क्रूस पर लटकाकर क्रूसीफाइड कर दिया था। स्टीफनस को मार दिया गया था पत्थरों से। सताव तो आएगा, लेकिन हमें उस सताव को ज्यादा अहमियत नहीं देनी है। हाँ, हमें बुद्धि से काम करना है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि अगर लोग तुम्हें सताते हैं तो इस नगर से दूसरे नगर चले जाओ, दूसरे नगर से तीसरे नगर चले जाओ, और जब तक तुम्हारा पूरे नगर पूरे होंगे तब तक मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। परमेश्वर आपके साथ है, उसने अपने इकलौते पुत्र को यूं ही नहीं दिया है, विश्वास करिए। इसलिए अपने आप को देखने का नजरिया बदलिए। आपकी बीवी आपकी है, आप समझते हैं, वेरी गुड, उसको प्यार करिए, अपने बच्चों से प्यार करिए, अपने पड़ोसी से प्यार करिए, अपने कारीगरों से पाप प्यार करिए जो आपके अंदर काम करते हैं। लेकिन उनको सताने का हक आपको नहीं है, उनको मारने का हक आपको नहीं है। अगर आप उनको मारते हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। आपका कोई भी पाप किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं है, आपका हर पाप परमेश्वर के विरुद्ध है। क्या आप परमेश्वर से पंगा लेना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर से पंगा लेना चाहते हैं? नहीं। इसलिए सोचकर बोलिए। कई बार आपके बोलने से भी पाप होता है। अगर बोलकर आप किसी का मन दुखाते हैं वो भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वास करिए और परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन आपको अच्छा लगा? yes. कुछ सीखा आपने? यस yes. वो जो सीख आपको मिलती है वो आपके जीवन में उतरनी चाहिए, वो आपके जीवन में उतरनी चाहिए। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, इतनी समझ खोली है परमेश्वर,
ताकि तेरे छोटे छोटे पापों को ये समझ सकें परमेश्वर, ये जान सकें कि परमेश्वर वो जो पाप कर रहे हैं वो तेरे विरुद्ध है, और परमेश्वर आपका डर इनके अंदर रहे, आपका भय इनके अंदर रहे, ताकि परमेश्वर तेरा ज्ञान ये प्राप्त कर सकें और आशीष प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे हालेलुया।